members. एसएसपी सर की तरफ से एक डायरेक्शन था कि हमने एक पेंटिंग कंपटीशन करना है 15 अगस्त तक। जिसमें फर्स्ट स्टूडेंट हमारा आया था शबनम, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स कठुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब से, अंडर पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया था। उस पेंटिंग कंपटीशन में जिन बच्चों ने इनाम लिए थे बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और कंपटीशन काफ़ी कड़ी रही। प्राइज़ नंबर 3, प्राइज़ नंबर 2 के लिए टाई अप रहा, इतनी ज़्यादा कंपटीशन टफ थी। एंड उसमें जिन जिन लोगों ने इनाम लिए हासिल किए उन लोगों को आज हमने यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। मैं चाहता हूँ कि कठुआ के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम निखारें, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और वो प्लेटफॉर्म ना कि बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ये बच्चे आगे बढ़े, उसके लिए जितना भी कोशिश हम लोगों से पर्टिकुलरली पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकता है वो हम करेंगे। बट डीजी सर बहुत ही पर्टिकुलर हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली आगे बढ़ें, और उसके लिए स्पेशल उन्होंने अनाउंसमेंट की है 2 दिन पहले कि यहाँ पे पहले ब्लॉक लेवल पे हम खेलो इंडिया के अंडर एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एक मैनर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल टाइप ऑर्गेनाइज करेंगे। 8 ब्लॉक्स में ये कंपटीशन होने वाली है और उसके बाद हम सोच रहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसका एक बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे, और स्पेशली पुलिस की तरफ से एक और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पर हमें लगेगा कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों लेवल्स पे जहाँ हमें लगे कि किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उस टैलेंट को नर्चर करके नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे लिया जा सकता है।